नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। चितरंगी मुख्यालय में नवीन बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके पहले चितरंगी में मुख्य बाजार में सभी बसें खड़ी होती थी और बाजार में घंटों घंटों जाम की स्थिति बन जाती थी, जिसको उपखंड प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए बस को नवीन बस स्टैंड में ही रोक दिया जाता है। तब से मुख्य बाजार में जाम लगना बंद हो गया, लेकिन अब एक समस्या बढ़ गई है। निर्माणाधीन बस स्टैंड में अभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और बस सवारियों को आने जाने में परेशानियां हो रही। ऑटो वाले 2 किलोमीटर का भाड़ा 50 रुपए लेते हैं, जिसकी जानकारी आज उपखंड अधिकारी चितरंगी को मीडिया के द्वारा दी गई। उक्त जानकारी पर आश्वासन दिया गया है कि जो ऑटो का वाजिब भाड़ा होगा वही लिया जाएगा। जनता की परेशानी को समझते हुए सभी ऑटो मालिकों को हिदायत दे दी जाएगी। आज हम चितरंगी एसडीएम नीलेश शर्मा जी के पास में है और कुछ यहाँ की समस्या जो है बस स्टैंड की भारी समस्या लोगों को दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर नवीन बस स्टैंड अभी निर्माणाधीन अभी है और वहाँ अव्यवस्था काफ़ी हो रही है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि यह नवीन जो बस स्टैंड है यह कब तक बन के तैयार होगा और लोगों की काफ़ी परेशानी सवारियों को हो रही है आने में जाने में वहाँ बैठने में, यह समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पे बस स्टैंड की ज़रूरत थी, उसी के मद्देनज़र जिला स्तर से कलेक्टर महोदय द्वारा बस स्टैंड सेंक्शन किया गया है और बस स्टैंड निर्माणाधीन है। तो उसमें जो भी रुकावट है उसके बारे में समीक्षा करके उसको जल्दी से जल्दी हम बनवाने का प्रयास करेंगे, ताकि यात्रीगणों को कोई असुविधा ना हो। जी सर, इसमें ऑटो वाले 50 रुपये प्रति सवारी लेते हैं, तो उनके लिए मतलब प्रशासन पे कोई आपके द्वारा यह मामला संज्ञान में लाया गया है जी, इसमें हम देखेंगे और जो नियम के अनुसार जो रेट होना चाहिए उचित रेट भी जो है लेने के बाद। चलिए, धन्यवाद सर। चितरंगी से खबर समय जगत के लिए रजनी साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.